बार 400 बार, तो इसमें आपका क्या सेगमेंट है? गुजरात में 28 है, सब मिल गए। राजस्थान में 25 है, सब कुछ मिल गए। हरियाणा में 10 है, सब कुछ मिल गए। दिल्ली में 7 है, सब कुछ मिल गए। बिहार में 1-2 छोड़कर सब कुछ मिल चुके हैं। हर जगह में 100% मिल गए, अदरवाइज 95%। ये सब सारे मिलने के बाद 300 नंबर तक पहुंच गए। अभी 400 अगर मिलना है तो पाकिस्तान में जीतना पड़ेगा, इधर हिंदुस्तान में नहीं, क्योंकि इस बार दिल्ली में सब कुछ मिलने वाले नहीं है, राजस्थान में मिलने वाले नहीं है, हरियाणा में मिलने वाले नहीं है, गुजरात में मिलने वाले नहीं है, यूपी में जितना सीट है उतना मिलने वाले नहीं है, बिहार में भी मिलने वाले नहीं है, साउथ में 129 है, कर्नाटक से आउट ऑफ 28 27 दे हैव गॉट। इस बार तो 10-12 भी मिलने वाले नहीं है, तेलंगाना से 4 मिला था पिछले बार, इस बार तो 2 मिलने वाले, तो कहां से 400 मिलने वाले हैं? कहां 214 से लेकर 240 मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी का नंबर, उससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। केसीआर ने भी यही कहा था, मोदी जी भी ऐसे ही 400 कह रहे हैं, मिलने वाले 200 भी नहीं है। तो एक जनरल परसेप्शन क्रिएट करने के लिए पॉलिटिशियंस एंड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, मोदी जी का बड़ा सक्सेस यही है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो 400 बना दिए। 62% ऑफ द पॉपुलेशन यंगस्टर्स एंटी मोदी, एसेंशियल कमोडिटीज का प्राइस 72% बढ़ गया, 400 रुपए सिलेंडर 1200 रुपए हो गए, 50 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए, हर चीज महंगा हो गई। 20 करोड़ जॉब देने का वादा किया था मोदी जी, दिया 7 लाख, जनधन खाता में हर गरीब को 15 लाख रुपए काला धन ले आके खाता में डालने के लिए कहा। भाई इधर कोई है क्या 15 लाख किसी को मिला? किसान का इनकम डबल करते बोल के कहा था, पुलिस फायरिंग में किसानों मर जा रहे, डबल इनकम कहां से हुआ है? हर गरीब को घर देने के लिए वादा किया था मोदी जी, कितने लोगों को घर मिला हिसाब किताब बोलो बोलो। फिर भी मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए आप देख रहे हैं।